गहलोत सरकार ने आईएएस की तबादला सूची जारी करके 2019 बैच के 7 एपीओ आईएएस को एसडीओ के रूप में पहली पोस्टिंग दी है। इस सूची के बाद पिता पुत्र के आईएएस होने और कलेक्टर और एसडीओ के रूप में पोस्टिंग होने का अजब संयोग भी हुआ है। सूची में 2 जिला परिषद सीईओ बदले हैं, जबकि 3 आरएएस को एपीओ किया गया है। सभी अधिकारी संबंधित निकाय क्षेत्रों में उपचुनाव और पंचायती राज क्षेत्रों में उपचुनाव की आचार संहिता समाप्ति के बाद रिलीव होकर नए पद पर कार्य ग्रहण करेंगे। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि निकाय उपचुनाव व पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन से जुड़े अधिकारी आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही नई जगह पर कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। आरएएस तबादला सूची जारी होने की चर्चा जोरों पर थी। इस बीच आईएएस की छोटी और ज्यादातर पोस्टिंग वाली सूची जारी होने से आरएएस और आईएएस की एक और तबादला सूची की प्रतीक्षा और बढ़ गई है। आईएएस की तबादला सूची में कुछ कलेक्टर्स और सचिवालय में अहम विभागों के आईएएस बदले जा सकते हैं। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि गहलोत सरकार की तरफ से बड़ा और अहम फैसला लिया गया। गहलोत सरकार ने आईएएस की तबादला सूची जारी करके 2019 बैच के 7 एपीओ आईएएस को एसडीओ के रूप में पहली पोस्टिंग दी है। इस सूची के बाद पिता पुत्र के आईएएस होने और कलेक्टर और एसडीओ के रूप में पोस्टिंग होने का अजब संयोग भी सामने आया है, और यह अजब संयोग भी हुआ है। तो वही सूची में 2 जिला परिषद सीईओ बदले गए हैं, जबकि 3 आरएएस को एपीओ किया गया है। सभी अधिकारी संबंधित निकाय क्षेत्रों में उपचुनाव और पंचायती राज क्षेत्रों में उपचुनाव की आचार संहिता समाप्ति के बाद रिलीव होकर नए पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि निकाय उपचुनाव व पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन से जुड़े अधिकारी आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही नई जगह पर कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। आरएएस तबादला सूची जारी होने की चर्चा जोरों पर थी। इसी बीच आईएएस की छोटी और ज्यादातर पोस्टिंग वाली सूची जारी होने से आरएएस और आईएएस की एक और तबादला सूची की प्रतीक्षा और बढ़ गई है। आईएएस की तबादला सूची में कुछ कलेक्टर्स और सचिवालय में अहम विभागों के आईएएस बदले जा सकते हैं।